नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस पृथ्वी के 71% इलाके में समंदर है। इन्हीं समुद्रों में मौसम तय होते हैं, बारिश होती है, समंदर से इंसानों का वजूद है, समंदर से मुल्कों की नियत जुड़ी है। लेकिन सच यही है कि समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही अब तक खंगाला गया है। समंदर के अकूत खजाने का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शायद यही वजह है कि अब दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र समंदर को अखाड़ा बनाने पर तुले हैं। यकीन मानिए, समंदर पर कब्जे की जंग सबसे भयानक होगी। जल युद्ध में नरसंहार के हथियारों की तैनाती कर दी गई है। परमाणु हथियार से लैस जंगी बेड़े ब्लू बैटल ग्राउंड में उतार दिए गए हैं। सीक्रेट नौसैन्य अड्डे बनाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड में बारूदी गोदाम बनाए जा रहे हैं। धड़ल्ले से और धौंस जमाकर अलग अलग समंदर में वॉर सायरन बजाए जा रहे हैं। आखिर कौन है ये देश जिन्हें समंदर हड़पने की सनक सवार है? क्यों ग्लोबल लीडर समुद्र भक्षियों से अलर्ट रहने की हिदायत दे रहे हैं? टेलीसीरीज समुद्र मंथन द ब्लू बैटल ग्राउंड के इस एपिसोड में देखिए लंगर सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी। सोलह सितंबर 2021 वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। तीन राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़े समझौते को तैयार थे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जिस सैन्य समझौते पर महाशक्तियों की सहमति बनी थी उसे सीक्रेट रखा गया था। यहां तक कि यूरोपीय यूनियन के देश इस बिग डील से अनजान थे। व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जैसे ही ऑकस समझौते का ऐलान किया, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। क्योंकि ऐसा रक्षा समझौता अमेरिकी इतिहास में 50 साल बाद हुआ। समझौते के तहत अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की तकनीक दो देशों से साझा करने को तैयार हो गया, वो भी उस सबमरीन की जो समंदर में उतरते ही सुनामी ला दे।
सबमरीन विस्फोटक हथियारों से लैस समंदर में चलता फिरता ऐसा अभेद्य किला है जो जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे एक झटके में तबाह कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अपनी पनडुब्बी की तकनीक किसी से साझा नहीं करता। वैसे भी अमेरिका अपने हथियारों की तकनीक नहीं बताता, लेकिन सुपर पावर के स्टैंड में अचानक बदलाव आने से उसके दुश्मन देश दहल उठे हैं। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों समंदर में उबाल लाने वाली डील हुई? पच्चीस सितंबर को यूएन महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर गौर करिए। दुनिया को नरेंद्र मोदी सबसे बड़े खतरे से आगाह कर रहे थे। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। ताकत के जोर पर समंदर हड़पने की साजिश कौन रच रहा है? किसने अमेरिका के कान खड़े कर दिए? कौन है जो समंदर के अलग अलग छोर पर लंगर डालकर बैठा है? सब जानते हैं, सबको पता है, एक ही नाम है जिसने सात महासागरों में उधम मचा रखी है। ये नाम है चीन। चीन की चौधराहट इतनी बढ़ चुकी है कि ड्रैगन ने समंदर के लिए एक कानून तक बना डाला है। 1 सितंबर 2021 को चीन ने समुद्री यातायात सुरक्षा कानून लागू किया। इसके चलते चीन की समुद्री सीमा में घुसने वाले विदेशी जहाजों को अब अपनी मौजूदगी की सूचना देनी होगी, समुद्री मार्ग इस्तेमाल के लिए चीन से आवश्यक अनुमति लेनी होगी और अपने बारे में पूरी जानकारियां देनी होंगी। इस कानून को ना मानने वालों पर ड्रैगन नेवी एक्शन लेगी। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन ने कानून लागू कर संयुक्त राष्ट्र के यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का उल्लंघन तक कर दिया। यानी ड्रैगन युद्ध का माहौल ही नहीं बना रहा, युद्ध मोड में आ चुका है। तो क्या चीन ने समंदर में सुपर पावर को मात देने का दमखम जुटा लिया है? शी जिनपिंग की सनक क्या ब्लू बैटल ग्राउंड में न्यूक्लियर वॉर कराएगी? चीन के इरादे बेहद खौफनाक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।